कश्मीर में लगातार हो रही हिंसा पर शिवसेना ने केंद्र और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। गुरुवार को पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर राउत ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बन रहे इस माहौल को खत्म करने के लिए केंद्र को कड़ा फैसला लेना चाहिए। शिवसेना सांसद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी, 7 साल में कितनी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई पता नहीं, लेकिन जो वहां रह रहे थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा, उनकी भी हत्या हो रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राउत ने हर घटना के लिए पाकिस्तान को घेरने की सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर उंगली ना उठाएं, लेकिन देखें कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर सकते हैं। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडुराग में गुरुवार शाम को आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी। वहीं पुलवामा में शुक्रवार सुबह दहशतगर्दों ने घर में घुसकर पुलिसकर्मी को गोली मार दी, इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। We'll be right back.